रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी और आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि अंगूर से शराब कैसे बनता है। तो हमारे किन्नौर में जो शराब है बहुत ही मायने रखता है क्योंकि ये हमारे धार्मिक कार्यों से लेके शादी ब्याह में हर जगह मतलब ज़रूरी है ये शराब। तो ये किन्नौर में हर घर में शराब बनता है, मतलब सब लोग बनाते हैं। तो आज हम अंगूर से कैसे शराब बनता है वो बताएंगे आप लोगों को कि उसको 10 दिन तक 10 से 15 दिन तक उसको सड़ने के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद कैसे निकालते हैं, कैसे तैयार होता है शराब, वो सब कुछ इसमें आप लोगों को बताएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए गाइस, ये है हमारा अंगूर का बगीचा। आप देख सकते हैं दूर दूर तक अंगूर ही अंगूर है। अभी तो ग्रीन दिख रहा है अंगूर, इसके नीचे से होते हैं जो अंगूर के दाने हैं वो नीचे साइड से होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से अंगूर निकालना पड़ता है उठा के ढूंढ ढूंढ कर। आज हम लोग अंगूर निकालते हैं। अंगूर दो प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद अंगूर एक काला अंगूर। अंगूर से शराब बनती है। इससे जूस भी निकालते हैं और शुदुंग भी बनाते हैं। शराब बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसे हाथ से ऐसे करते हैं, इसको अच्छी तरह ऐसे प्रेस करना पड़ता है क्योंकि इसमें मतलब ये दाने ना रहे। फिर इसको जब अच्छी तरह प्रेस हो गया तो इसे ड्रम में डालते हैं। ड्रम में डालने के बाद इसे ड्रम को सील्ड करते हैं। अगर जल्दी पकाना हो तो इसमें गुड़ डालते हैं। गुड़ डाला हुआ 9-10 दिन में हो जाता है, जिसमें गुड़ नहीं डलता है वो 6-7 महीने भी रखते हैं। 6-7 महीने के बाद फिर इसे शराब निकालते हैं। सड़ने को डाला था वो 2 हफ्ता हो गया हुआ है, तैयार बन चुका है। हम इसे अब दूसरे ड्रम में उड़ेल दिया है। इसके ऊपर एक पत्थर लगाते हैं, बाहर से गोबर और राख का लिपाई करते हैं, फिर इसके नीचे आग जलाते हैं। जब उबलने जैसा लग जाता है तो हम इसे फिर इसके अंदर एक छेद होता है पत्थर में, ताकि जो है इसका भाप जो है शराब का ये सारा ऊपर इसमें आ जाए। इसमें तो ये क्या लगाया हुआ है इसमें? इसमें आटा लगाया हुआ है। अच्छा, गोल करके आटा लगाया हुआ है ताकि इसमें भाप जो है बाहर ना जाए, मतलब यहीं से ही आए छेद। हाँ, छेद हाँ यहीं से आ जाए। अच्छा, फिर इसके ऊपर हमने ये रखा, फिर इसके ऊपर हम ये रखेंगे, फिर इसको हम बाहर से लिपाई करेंगे। अच्छा, ताकि जो है भाप जो है बाहर ना जाए। अच्छा,
तो और इसमें अंदर यहाँ से बाहर यहाँ से शराब निकलती है और हम इसमें पानी डालेंगे, पानी के लिए एक पाइप दूसरा लगाएंगे ताकि वो गर्म वाला पानी बाहर निकले। अच्छा, मतलब दो पाइप लगेंगी जिसमें गर्म पानी बाहर निकलेगा। हाँ, एक में शराब आएगी और एक में ठंडा पानी। ठंडा पानी। अच्छा, इसमें दो पाइप जोड़ते हैं, एक में ठंडा एक में गर्म। इससे ठंडा आता है और इस पाइप से गर्म पानी बाहर निकलता है। एक ही ड्रम से दो प्रकार के शराब निकलता है, पहले वाला मूरी होता है, बाद में वाला राशि होता है। मूरी एक दो बोतलें निकालते हैं, बाकी सब मिक्स कर लेते हैं बाद में। मूरी इतना प्योर होता है, मैं इसे प्रयोग करके बता रही हूँ। इसमें मैं 10 रुपये का नोट भिगो रही हूँ। ये अगर आग में जले तो मैं मूरी प्योर नहीं होगा, अगर नहीं जले तो प्योर होगा। नहीं जला ना? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मूरी तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है, प्योर है। अच्छा, मूरी का ये फायदा है कि पहले जमाने में डिलीवरी के बाद औरतें एक ढक्कन चूल्ही के तेल में डाल के मालिश करते थे। अच्छा। इससे वायु नहीं होता है। अच्छा। सर्दी जुखाम में अंगूरी ठीक रहता है, इसको एक ढक्कन गर्म करके पीते हैं तो सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। अच्छा। सोते समय पीना चाहिए इसे। अच्छा। लोग में शराब धार्मिक कामों में लगता है, शादी ब्याह में भी लगता है और मंदिरों में भी देवी देवताओं को भी लगता है। इसलिए हमें सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है ताकि हम 25 बोतल तक अपने घर में रख सकें। अच्छा, 25 बोतल तक हम रख सकते हैं? रख सकते हैं। अच्छा, चाहे वो किसी का भी शराब हो, चाहे किसी का शराब भी हो। अच्छा, सब प्रकार की शराब रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। शराब 3 प्रकार से यूज़ करते हैं। मंदिर में निमित्त बोलते हैं और बुद्ध मंदिर में सेरकिम बोलते हैं, और घर में जब लड़की की अरेंजमेंट होती है तो बोतल लेके आते हैं, उसमें शराब ही होता है, उसको हम कोरंग बोलते हैं। अच्छा। किन्नौर में अरेंजमेंट के टाइम मतलब अंगूठियाँ एक दूसरे को नहीं देते हैं, मतलब बोतल में शराब होता है उसी से ही पूजा किया जाता है। अच्छा, तो उसको बोतल पूजा भी बोलते हैं? उसको बोतल पूजा भी बोलते हैं। अच्छा, तो गाइज ये है हमारा अंगूरी। मैं अंगूरी डाल रही हूँ ग्लास में, तो मैं भी टेस्ट करती हूँ भाई ये नोट जलता है नहीं जलता है। काफ़ी सुना था मैंने कि जो शराब तेज़ होता है उसमें नोट भिगो कर जलाने से नोट नहीं जलता है, तो जो नहीं जलेगा नोट इसका मतलब शराब काफ़ी तेज़ है। और मुझे डर भी लग रहा है, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं भी, तो यहाँ ऐसे करके करती हूँ मैं। वाह,
वाओ, सच में नोट नहीं जला। ये देखिए गाइस, बिल्कुल नोट नहीं जला। तो गाइज़, आप लोगों ने देखा कि अंगूर से शराब कैसे बनता है, और ये जो अंगूर था हमने 2 हफ्ते के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया था गुड़ लगाकर। और दूसरे जो विलेजेस हैं यहाँ पे काफ़ी ठंडे हैं, काफ़ी ऊंचे इलाके में हैं, वहाँ की क्लाइमेट थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी है, और हमारे जो गाँव हैं यहाँ पर थोड़ी सी गर्म है। तो 2 हफ्ते के अंदर फर्मेंटेड हो गया था मतलब अंगूर, तो हमने आज उसका शराब निकाला। तो आप लोगों ने देखा कि कैसा प्रोसेस होता है शराब निकालने का। और ये जो शराब है हमारे धार्मिक जो भी होता है पूजा पाठ देवी देवताओं का, वहाँ पे बहुत यूज़ होता है। मतलब पूजा में तो स्पेशली शराब तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है, और ये हमारे कल्चर का पार्ट है। शराब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे कल्चर में। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।